तो गाइस, अगर आपके पास एक सोमी का फ़ोन है और अगर आपके फ़ोन के कैमरे में आपको इस तरीके से लिखा हुआ प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है यूएसबी स्टोरेज इज रनिंग आउट ऑफ स्पेस, तो इस तरीके से लिखा हुआ रहता है और आप सभी लोग यहाँ पे कैमरा को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जब भी आप यहाँ पे कैमरा को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखा हुआ शो करता है। तो सबसे पहले गाइस, आपको मैं ये बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो आपके फ़ोन में क्यों आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है गाइस, वो बेसिकली एक स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है। जब आपके फ़ोन में स्टोरेज जो है फुल हो जाता है तो यहाँ पे कोई भी जगह नहीं बचता आपके फ़ोन में, तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जाना है सिंपली से अपने फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे वो यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे जो बड़ा बड़ा एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा डाटा लेता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम, यहाँ पे क्रोम जो है एप्लीकेशन है और ये इतना डाटा लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी बड़ा बड़ा एप्लीकेशन है जो बहुत ही ज़्यादा डाटा लेता है, तो उस एप्लीकेशन को आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसका डाटा क्लियर कर लेना है, यानी कि क्लियर कैचे कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों इससे होगा क्या, इससे आपके फ़ोन का जो स्टोरेज है वो खाली हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके फ़ोन के कैमरा जो है वो 100% वर्क करने लगेगा। तो इसी तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।